जहां भी फजाइल अहले बैत बयान किए जाते हैं, जहां भी मजलिस होती है फजाइल अहले मोहम्मद, वहां सिर्फ आप नहीं हो, चार मासूम का इसका जो रिवायतों में है कि चार मासूम होते हैं, उनके अलावा भी फरिश्तों की फौजें आपके साथ फर्श अज़ा में होती है, फरिश्तों की फौजें। और जानते हैं जब मजलिस खत्म होती है, जब फजाइल अहले मोहम्मद खत्म हो जाते हैं, अब ये यहां से वापस आते हैं, जुमला सुनिएगा, जब ये वापस आते हैं तो इनके अजसाम से ऐसी खुशबू आ रही होती है कि इनसे मिलने वाले दूसरे फरिश्ते कहते हैं कि कहां से आए हो, ये कैसी खुशबू है, आठ जन्नतों में ऐसी खुशबू हमने कहीं नहीं देखी जैसे तुम्हारे अजसाम से आ रही है। तो फरिश्ते कहते हैं कि जमीन पर अली के चाहने वालों ने फजाइले अली की महफिल मांगी थी, हम वहां गए थे, अल्लाह ने हमारे जिस्म को नाम पर बना दिया, ये वहां की खुशबू है, ऐसी खुशबू। अब वो कहते हैं फरिश्ते हमें भी जरा वहां ले चलो, फरिश्ते कहते हैं कि अब वो बस वहां से उठ चुकी है, अजलात घर जा चुके हैं, अली के चाहने वाले, अली के बनने वाले, अली के जिस्म में शरशार उतरा, सब जा चुके हैं। अब वो फरिश्ते कहते हैं जरा उस फर्श पे ही ले जाओ जहां ये बैठे हुए थे, लिहाजा जब भी नौजवान कोशिश करें फर्श पे मजलिस सुनने की कोशिश। अजाब एक बीवी की हसरत का नाम है, बड़े पैसे खर्च किए जा रहे हैं इस फर्श अजाब से आपको दूर करने के लिए, पूरी दुनिया इसका पूरी ताकत लगाए हुए है, पूरा खर्च किया जा रहा है, किसी तरीके से ये फर्श अजाब से दूर हो जाए, मगर ये मुमकिन नहीं है, है ना। जिस रोज जब मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, तो ये अजादार बगैर फर्श अजा के कैसे रह सकते हैं, है ना। हुसैन हमारी रगों में है, हुसैन हर हलाली के खून में है, हुसैनियत हमारे मिजाज में, अजादारों को कोई फर्श अजा से दूर नहीं कर सकता। तो लिहाजा नौजवान से अपील है कि ये जुमले सिर्फ डायलॉग ना रखें, बल्कि फर्श अजा पे आके सुबूत दें कि हम फर्श अजा वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। बस जल्दी जल्दी बहुत कम वक्त में बातें करूंगा, हुसैन ये अय्याम हिदायत के अय्याम है, क्यों, इसलिए कि हुसैन सफीने हिदायत का नाम, हुसैन कश्ती निजात का नाम, जिसे हिदायत चाहिए दर हुसैन पे आए, जिसे निजात चाहिए दर हुसैन पे आए, हुसैन के दर को छोड़ोगे तो गुमराही मिलेगी, हुसैन के दर को छोड़ोगे तो डूब जाओगे, अगर पार होना है तो हुसैन की कश्ती में आ जाओ, हुसैन कश्ती निजात का नाम है। मैंने किया था कि जहां फर्श अज़ा बिस्ती है वो हर नमूने जन्नत हुआ करता है, इसके लिए मेरे पास दलीलें हैं, सबका अकीदा है कि खातून जिना फर्श अज़ा पर होती है, जहां जन्नत की सरदार वहां जन्नत मांगेंगे ना। अच्छा कुरान का कानून क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे, हर किस हर किस लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, हर किस हर किस तुम अल्लाह की सुन्नत में तगय्युर व तफ़त्तुर नहीं पा सकते, यानी जो अल्लाह ने सुन्नत बना दी है कभी उनके बखिलाफ आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब अल्लाह की सुन्नत क्या है, सुना है ना, जनाब आदम का वाकया, जनाब आदम से तरक्या औला हो गया, बहुत से लोग समझते हैं कि गुना हुआ, गुना नहीं हुआ, तरक्या औला, तरक्या औला यानी नौजवान सुने, दो बेहतर कामों में से ज्यादा बेहतर को छोड़ दिया, कम को पकड़ लिया, तरक्या औला है, यानी बेहतर को छोड़ना तरक्या औला। जनाब आदम के लिए बेहतर था कि दरख्त के पास न जाए, फल न खाए, उन्होंने ऐसा कर लिया तो तरक्या औला हो गया, अल्लाह ने कह दिया कि आदम यहां से निकल जाओ। अब आप कहेंगे कि जनाब जब ये गुनाह नहीं है तो सजा क्यों, याद रखिएगा वो शेर है ना, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है ना। अब जिनके जितने रुतबे हैं उनके लिए ये औलिया अल्लाह के लिए तरके औलाद छोड़ना भी वैसा ही हैरत की बात है, इस्तेजाब की बात है, जैसे नमाज शब हमारे लिए मुस्तहब है ना, मगर हमारे मासूमीन के लिए, जो उलमाए हक उनके लिए, या कहिए जो आले मोहम्मद की मुतबर्रिक मुकद्दस हस्तियों के लिए नमाज शब,
शाम गरीबा में भी जनाब सैनब ने नमाज शब नहीं छोड़ी। इमाम सज्जाद ने तभी तो कहा था जब जनाब सैनब को दरबारे जब जनाब सैनब को जिंदा में बैठकर नमाज पढ़ते हुए देखा तो मौला सज्जाद ने कहा था अल्लाह ने वो भी ले लिया। अब तारीख कहती है, कुरान कहती है, तफसीर कहती है, अब जनाब आदम के जिस्म के ऊपर कोई लिबास नहीं है, है ना इंतकाब साहब, कोई लिबास नहीं है। अब जनाब आदम ने खुद को छुपाना शुरू किया, परवरदिगार का लिबास कहा गया, कहा ये जन्नत का लिबास है, जन्नत के बाहर नहीं जाएगा। देखिए फर्श अदा आपको समझा रहा हूँ, फर्श अदा समझाना है कि फर्श अदा नमूने जन्नत घर को कैसे बनाता है। जनाब आदम के लिए कहा कि जन्नत का लिबास जन्नत से बाहर जाएगा नहीं, कहते ही उसे जो कह दे वो हो जाए। यानी जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा हालात की बात नहीं है कि वही कहे जो हो, बल्कि जो कह दे अल्लाह पे वाजिब है कि वो करे। अल्लाह ने इनकी जमानत ली हुई है, रिश्त इनसे दूर रखा हुआ है। झूठ भी तो रिश्त है ना, क्या आप कैसे सुन रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि निजासत ही रिश्त है, झूठ भी रिस है, गइबत भी रिस है, और अल्लाह ने हर रिस को इनसे दूर रख दिया। अब जनाब ज़हरा ने कह दिया कि लिबास आएंगे तो अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि ज़बान की लाज रखे। अब सुबह हुई, दातुलबा हुआ, दरवाजे पे कोई आया, जनाब ज़हरा ने कहा कौन? ताना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। अब तमाम मुफस्सरीन ने लिखा कि आने वाला कोई और नहीं, रिजवान जन्नत था। आने वाला कौन था? लिबास कहां से आए थे? अल्लाह की सुन्नत कैसे तब्दील हो गई? अल्लाह की सुन्नत तो कभी तब्दील होती नहीं। आलम का लिबास उतरवा दिया कि दुनिया में नहीं जा सकता, जन्नत का लिबास जन्नत से बाहर जाएगा नहीं। हसने के लिए अल्लाह ने भिजवा के बता दिया, जहां हसने वहां जन्नत। ये फर्शियादा तो मैंने शुरू ही नहीं किया, फर्शियादा बता रहा हूँ कि फर्शियादा है क्या, इसको कभी छोड़ना नहीं, हमेशा मजलिस फर्श अजाबे आके सुनना। जनाब फिजा ने सलमान से पूछा, सलमान ये बताएं कि मस्जिद में कौन कौन? कभी भी फुलाने 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 और एक वो है कि जिनसे मैं बात नहीं। अब सोचा कोई इधर भी आ गया, जनाब फिजा ने अपने सोर्सेस से पता कराया, जरा पता तो करो कौन बदले रिसालत में नया चेहरा आ गया। आने वाले ने बताया बुला है बुला है बुला है के लिए। अच्छा सबके नाम तो सलमान ने लिए, सबके नाम तो लिए मगर अली का नाम नहीं लिया, कह दिया है तो मैं जानता नहीं। अब फिर हमारे अकरम की बारगाह में जनाब फिजा हर पे इल्तिमास लेकर आ गई, अल्लाह के नबी आपने सलमान को बहुत बढ़ा दिया है, आपने बड़ा मुल्ला लेता हुआ क्या? तब सलमान की इतनी जसालत पड़ गई, अब अली को कहते हैं मैं जानता नहीं। अब अली के बारे में सलमान कहते हैं कि एक को मैं जानता नहीं। कहा तो सलमान से पूछ लेते, सलमान को बुलाया, सलमान तुमने क्या कह दिया? फिजा बड़ी ना क्या हुआ? हमने आपसे पूछा मस्जिद में कौन? आपने बता दिया कि पूरा है, पूरा है।
अब इतना सुना दे जाने फिजा कहते सलमान तू तो जन्नत में जब जाएगा तब जाएगा, फिजा पे रहती है जन्नत में है। ताली की ही ताली
इसका मतलब यह हुआ कि करबला से पहले इंसान का सीना कमजोर हो गया था। अगर इस्लाम के हुक्मों में जाकर अली जफर के गले में तीर लगने के बाद आए, इसका मतलब यह हुआ कि करबला से पहले इस्लाम का हुक्म कमजोर हो चुका था। अगर इस्लाम के बाजू में जाकर अब्बास गाजी के बाजू बैठने के बाद आई, इसका मतलब यह हुआ करबला से पहले इस्लाम के बाजू कमजोर हो गए थे। अभी आपसे मेरा सवाल है, बताए ना आश्चर्य की तारीख में यह इस्लाम कब कमजोर हुआ था, यह इस्लाम का सीना कब कमजोर हुआ, यह इस्लाम के बाजू कब कमजोर हुए, यह इस्लाम के हुक्म की ताकत कब चली गई थी। जब मैंने तारीख की ओर गर्दन शुरू की, मुझे बहुत जगह पे मिल गया। जब मैं पढ़ रहा था, मैंने देख लिया अजीब जुमले मेरे सामने से गुजरे। अब यह इस्लाम उस रोज मर चुका था जब जुमे की नमाज मुझको पढ़ाई जा रही थी। बताइए बताइए। अच्छा, हैरत इस बात पे नहीं कि जुमा बुध को पढ़ लिया गया, हैरत तो इस बात के ऊपर है कि पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, पढ़ने वालों ने पढ़ा, यानी किसी में ताकत नहीं थी। यानी यह कहिए कि इस्लाम बादशाहों की तहरीर के ऊपर अपनी छवि में नियम को तस्लीम किए हुए था। उमदा साहब ने जुमला कह दिया, इस्लाम जिसके सामने सब कुछ झुकना है, इसी इस्लाम को बादशाहों ने अपनी चौखटों में झुका लिया था। शराब पी लेते थे, नमाज पढ़ा दिया करते थे। एक सवाल पढ़ते रहे और आप ¡Gracias!
जुमले दे रहा हूं। अगर इस्लाम के पैर नहीं तो आया कैसे, अगर इस्लाम के हाथ नहीं तो इस्लाम ने दिफा कैसे किया। याद रखना, कोई भी चीज अगर दुनिया में आएगी तो उसके आधार पर चार रस्मों का होना जरूरी है। कोई भेजने वाला हो, कोई लाने वाला हो, कोई मिस्र करने वाला हो, कोई मुसीबत के बाद बचाने वाला हो। याद रखना, इस्लाम का अलहिया के रस्मों का नाम है। इसके हाथ नहीं, इसके पैर नहीं, ना खून बह सकता है, ना खून चल सकता है। यह आया कैसे, इसे भेजा गया है। इसके उड़ाने वाला भी है, इसको फैलाने वाला भी है, मुश्किल में बचाने वाला भी है। भेजने वाला था।
है जिसने नबी का इतने इनकार कर दिया, समझो तमाम नबियों का इनकार कर दिया। पैगंबर की तबलीग यही तो थी ना, आदम को भी मान लाओ, इब्राहिम को भी मान लाओ, यही मेरा रसूल के साबित होने की दलील भी है। क्यों? इसलिए दुनिया का जब भी कोई स्कॉलर आता है ना, अपनी ताईद पर अपने से पहले की तकदीर पर अपनी ताईद को कायम करता है। यहाँ साहब जुमला आपके जिला तो पहले लखनऊ है ना, कोई भी स्कॉलर आता है अपने से पहले की तकदीर करता है, अपनी ताईद करता है। इस्लाम को नहीं, 124,000 नबियों को बचाया है। याद रखना, 124,000 नबियों की नबूवतों को जो बचाए उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन को जो बचाए उसे शरीयत और हुसैन कहते हैं। करना समझना आसान, जुमले ऐसे हैं कि अगर सोने के होलों से अपने घरों की दीवारों में ली तो कहां बना नहीं हो सकता।
جملے کا ترجمہ کروں صحیح ترجمہ, یہ تو میں محاورہ پڑھا ہے, لا اعلم, میں نہیں جانتا, اصحاب, ایسے صحابی, خیر من اصحابی, جو میرے صحابیوں سے بہتر ہو. میں نہیں جانتا, کون کہہ رہا, حسین کہہ رہے ہیں, توجہ, حسین کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا. کیا حسین بابا کے مقدار کو نہیں جانتے تھے؟ میزان کا نام ہے. آیا شخص پیغمبر اکرم کے پاس, اللہ کے نبی, میں کون
अल्लाह के नबी बड़ी परेशानी होती है बच्चों को देख देख कर, अल्लाह के नबी इतने की बड़ी शरीफ है, सुनने का रिवायत है और अक्सर ने सुनी भी होगी पढ़ी भी होगी। मेरी बीवी बड़ी आतावन है, बड़ी आदीब है, नहीं बड़ी खिदमत करती है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह के नबी रातों को सो नहीं पाता। बच्चा देखता हूँ कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं परेशान हो रहा हूँ कि बच्चा काला है, मैं भी बोल रहा मेरी सोजा भी बोल रही है, अब मुझे परेशानी होती है और अब यह रिश्तों में तरक्कियां पैदा हो गई। अच्छा बच्चे को कर ले आना, कल बच्चे को ले आना, हुसैन की रात में आना, पैगंबर बता रहे हैं तब बच्चे को कर ले आना। बच्चा आ गया, इसको कहने के लिए छोड़ बच्चों के दरमियान, उस बच्चे को बच्चों में छोड़ दिया गया, अब मेरे हुसैन को लाया जाए। अब जैसे हुसैन को दरमियान से गुजारा गया, ये फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब लश्कर आने सामने हुए तो फौरन
ये हसन खैबर कुशा का लाल है। राजा तलवार चल गई, हसन की तलवार सिफीन में देख चुके थे, चमन में भी मौला हसन की तलवार के ये लेकिन मर्डर चल चुके थे। कहने लगा खैबर कुशा का लाल है, अगर तलवार बाहर आ गई तो शाम का तख्त पर आ जाएगा, फिर क्या करें? ऐसा करो सुबह करो, और ये भी याद रखिएगा अगर इमाम के सामने कोई सुलह की पेशकश करता है तो इमाम जरूर कबूल कर लेता है। इमाम के सामने अगर कोई सुलह करे तो इमाम जरूर 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 एक्सेप्ट करता है। और इमाम ने कहा सुनो हमारी तलवारें निकल चुकी है, हम मैदान में आ चुके हैं, तलवारें सज चुके हैं, हम तलवारें नियम से बाहर किए हुए हैं, हमारे सीनों पर जिया बनी हुई है, हम मुकाबले के लिए आए हैं। कहने लगा नहीं सुलह करो, आ गया।
जिंदगी के आखिरी सांस तक इसको बनाने का मन करते थे। क्यों? इसलिए कि इमाम तख्त पर लिखा हुआ था, हसन हुसैन के भी इमाम है। अब जब इसने अपना खलीफा को यह नामजद किया, पैर लेना चाहिए तो हुसैन फौरन फर्ज रसूल खड़े हो गए, है ना। तलवार जो हसन ने मैदान में गई थी जब के बाहर आ गई। अल्लाह को बातें का माह का अपना है। हम लोग ये समझते हैं कि ये करबला यजीद का मंसूबा था, याद रखना ये करबला यजीद का मंसूबा था ही नहीं, यजीद की इतनी फिक्र थी ही नहीं। ये तो हुसैन ने यजीद को ऐसी गाली बना दिया, औलाद यजीद के सामने भी अगर तुम उसे यजीद कह दोगे गाली बर्दाश्त करेगा, उसे यजीद कहलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुसैन डर कर चले गए,
छूकर चले गए। हुसैन के पास तो ताकत थी ना, कहो मेरे लाल इनको बता दो कि हुसैन जा रहे हैं, ताकि मेरा कोई ये ना कहे अगर हमें पता चलता हजारों हाजिर थे हुसैन को तनहा जाने न देते। हुसैन को तनहा तवज्जो, हुसैन को तनहा जाने न देते। हुसैन ने हमें बताया नहीं, हुसैन का हुज्जत खुदा इतना में हुज्जत जरूरी थी तो मेरा आबा से बताओ। ताकि हमने देखा हुसैन का कादी कादी काबा बना, मोमिन के दिल को चलाता है। मैं हुसैन के बदले
हाथ मार के कहा था मेरा हाथ